कहा जाता है कि सामान्य घरों में खाने वाली रोटियां बनाने वाले तंदूर और रोटी वालों की परंपरा भारत में मुगलों के साथ आई थी। पुरानी दिल्ली में कुछ प्रसिद्ध रोटी वाले हैं जो इन रोटियों को पकाने में माहिर हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि वही दिल्ली वाली स्वाद और जायके का मजा आप कोलकाता में भी उठा सकते हैं। जी हाँ, अब कोलकाता के पार्क सर्कस के ब्राइट स्ट्रीट में मौजूद मोमिन दिल्ली वाली रोटी आपके लिए लाई है वही दिल्ली वाली स्वाद और जायका। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की खास पेशकश जायका हिंदुस्तान का। आपको बता दूं, कोलकाता के पार्क सर्कस के ब्राइट स्ट्रीट कलिम प्लाजो में मौजूद मोमिन दिल्ली वाली रोटी ग्रैंड ओपनिंग हुई, जिसकी ओनर जनाब इस्तियाक अहमद, जनाब असफाक अहमद और जनाब जिशान अहमद ने की। शॉप की ग्रैंड ओपनिंग पर बाहसियत चीफ गेस्ट जनाब शेख रजा, जो कि प्रेसिडेंट है अमानुल्ला सोसाइटी के, और मौजूद थे जनाब मोहम्मद अली कुरैसी साहब, जो कि वेस्ट बंगाल जमतुल कुरैस की प्रेसिडेंट है। और आपको बता दूं कि इस शॉप में कई तरह के वैरायटीज की रोटियां मिलेंगी, जिनमें शामिल है तंदूरी रोटी, डबल रोटी, शेरमाल, कुलचा, बेबी नान, तंदूरी पराठा, घी चीनी रोटी, वो भी सबसे बढ़िया दामों में। तो देर किस बात की है, जल्द से जल्द जाए और जायके का आनंद ले। मोमिन दिल्ली वाली रोटी, यहाँ हमें दिल्ली का स्वाद मिलने वाला है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम लोग तो ये कोशिश में है कि दिल्ली वाली रोटी है वो हम लोग बंगाल में इसको अच्छे से अच्छा उसको परफॉर्मेंस दे हम लोग, और इसलिए दिल्ली वाली रोटी नहीं, यूपी वाली भी रोटी मिलेगी यहाँ पे। यूपी वाली भी रोटी मिलेगी। जी अच्छा, तो वैसे ही स्वाद हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा? बिल्कुल वही स्वाद मिलेगा, और जब लोग खाएंगे तो फिर वो दिल्ली को भूल जाएंगे, बंगाल को याद करेंगे। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको, इसको इनॉग्रेशन आज हुई है, कैसा महसूस? बहुत बहुत अच्छा ये रहा रिजल्ट। अभी जितने हमारे पास जो आइटम था वो ऑलरेडी सब सेल हो चुका है। जिस तरह से हमने देखा इनॉग्रेशन के बाद इतनी भीड़ हो गई, लोग आते गए और लेते गए, क्या? हाँ, वो अभी ऐसा है कि जितना हम क्वांटिटी बनाए थे वो हम लोगों को दे नहीं पाए। अभी हम 5 बजे के बाद फिर हमारा जो दूसरा सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें सब चीज हमारा अवेलेबल रहेगा। अच्छा, पहले ही दिन ही जो है अब सेल बहुत ज्यादा हुआ। बिल्कुल अच्छी चीज़, जब लोगों को मिलेंगे तो लोग आएंगे, और उसके जब जायका मिलेगा तो रेगुलर ये चलता रहेगा। और आप लोगों से भी ये है कि आप लोग भी आइए और इसका जायका लेकर बताइए कि ये टेस्ट कैसा है। जैसा कि हम देख सकते हैं आप लोगों ने कुछ ऑफर भी रखा है। जी, एक के साथ एक फ्री है। एक के साथ एक फ्री है, कब तक के लिए? 2 दिन तक का ये, कोई भी आइटम में एक के साथ एक फ्री है, ये 2 दिन तक का है ये। तैयार? ये जो है ये टोटल आइटम है, ये आइटम आपको जब भी आएंगे आपको मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये मेन्यू है, आप इस हिसाब से जो है हम लोगों का पहले फास्ट फूड का जो है बिग बगान में है, वहाँ पे बहुत सारा आइटम है, जो चिकन रोल है, बीफ रोल है, मगज रोल है, और इसके अलावा पूड़ी है, सब्जी है, और इसके अलावा बहुत सारा आइटम्स है जो वो हम लोगों का बहुत हीट है। आप क्या कहेंगे सर, इतनी बड़ी कामयाबी देखने को मिल रहा है कि इनॉग्रेशन के बाद ही लोग आना आ रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं? जी जी जी, माशाल्लाह जो है पब्लिक जो है यहाँ का है माशाल्लाह बहुत पसंद कर रहे हैं, और हम लोग जो जितना बनाए थे वो जो है हम लोग बेच चुके हैं,
और इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद फिर और दूसरा सेक्शन जो चालू होगा तो फिर अवेलेबल रहेगा हर चीज़। तो इसकी टाइमिंग क्या रहती है? इसका टाइमिंग 11 से 11 है, मगर बीच में थोड़ा सा लंच दिया जाता है कारीगर लोग को। और हाँ सुबह शाम रात तक 11 बजे तक अवेलेबल मिलेगा। और हमारी कोशिश यही है कि हम बेहतर से बेहतर चीज़ पब्लिक को खिला सकें, आवाम को खिला सकें और हमारा काम के साथ में नाम भी हो। जी मैंने सुना दिल्ली और बिहार उसका भी स्वाद यहाँ मिलेगा। जी जी यूपी और दिल्ली ये सब स्वाद जो है हम लोग लेके आए हैं बंगाल में, हमारे बंगाल भाई लोग भी सबको ही खाएंगे मिलके। जी जी हमारा वो मोमिन बिरयानी हाउस है, वहाँ कबाब वबाब कबाब मिलता है वहाँ माशाल्लाह। वो बेग बगान जी जी वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? वहाँ पर जो है बीफ कबाब है, चिकन कबाब है, बीफ रोल, चिकन रोल, खीरी रोल, मगज रोल, पराठा, लच्छा पराठा, तो ये सब चीज़ वहाँ मिलता है। शुक्रिया। कैसा लग रहा है आज ही जैसा हमने देखा मोमिन दिल्ली वाली रोटी, इनॉग्रेशन के बाद ही जो है लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं और मैंने देखा बहुत ही भीड़ थी दुकान में, तो क्या कहेंगे इसमें? अच्छा लग रहा है, मेहनत सफल लग रहा है, दो दिन से हम लोग इसमें लगे हुए हैं, काफ़ी दिन से एक सपना था रोटी का। और इससे पहले जो हमारा दुकान है वो 8-9 साल से चल रहा है, मोमिन जो चल रहा है, तो कबाब पराठा दाल पूड़ी मतलब इलाके में हम लोग बहुत नाम कमाए हैं, सबका प्यार है मोहब्बत है, तो अभी उस लाइन से हटकर अभी रोटी हम लोग सर्व कर रहे हैं, तो अच्छी रोटी है, 8-9 क्वालिटीज़ की रोटी है और आपको मतलब क्वांटिटी भी अच्छा मिलेगा, रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए जो है ऑर्डर्स वगैरह भी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी, तो देखिए अब सबको पसंद आए। अभी बाय वन गेट वन फ्री का भी ऑफर चल रहा है जी, 2 दिन के लिए हमने ये ऑफर रखा है आज और कल के लिए, तो बाय वन गेट वन हर आइटम में, कोई भी आइटम अगर आप लेते हैं तो बाय वन गेट वन आपको सामान आपको सब फ्री मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कस्टमर का जो है फीडबैक कैसा आया रोटी? कस्टमर का फीडबैक ऐसा था कि एक रोटी लेने के बाद और दो दो रोटी, तीन तीन रोटी भैया हमको भी दीजिए, भैया हम और लेंगे, और ये मतलब जिनका इरादा नहीं भी था वो रोटी देख कर सामान देख कर भी वो और लेने लगे, तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो रिस्पांस अच्छा है, अभी तो 2 दिन देखते हैं। और किस तरह से आपको? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, टेस्ट वेस्ट बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि अल्लाह का करम से और भी ज़्यादा सक्सेस होगा इसी तरीके से। हाँ दुआ कीजिएगा आप लोग भी भाई सबको, तो आप लोग का सारा खिलाने वाले लगने वाला है फैमिली, इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि बहुत अच्छा होगा और जो भी खाएगा इंशाल्लाह तारीफ करके ही जाएगा। सर कैसा लगा आपको जायका? जायका तो बहुत अच्छा लगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फर्स्ट टाइम इन कोलकाता, सच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, एंड वी शुड ऑल कम एंड ट्राई इट। दिल्ली वाली स्वाद आई? बिल्कुल, बेटर अच्छी लगी, बिल्कुल बार बार आना चाहेंगे, एकदम बार बार आना चाहेंगे और लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी आइए और इसको ट्राई कीजिए, समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हियर इन कोलकाता, वन मस्ट ट्राई।